आ जाओ, हाँ सर चलो। हम भी यही हैं। हाँ, हम भी यही हैं, आज जमुना के पास हैं दोनों। चलो देखो हमारे पास क्या है, शाबाश। अब यहां से एपी सीखते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटे, ये मेरे पास एपी है 3, 5, 7, 9, 11। सब बच्चे सब थोड़ा सा जाग जाइए, पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह 2 मिनट में। आ जाओ, ये हमारे पास एपी है। आप बच्चे क्या कह रहे हो, आप बच्चे कह रहे हो कि सर इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, है ना भाई? फर्स्ट टर्म जी जो जो सर, मैंने समझाया वो देखते जाना और सोचते जाना कि जी सर ऐसे ही कहते हैं। अच्छा ठीक है, इसको हम सेकंड टर्म कहते हैं। अच्छा भाई, इसको हम थर्ड टर्म कहते हैं, इसको हम फोर्थ टर्म कहते हैं, इसको हम फिफ्थ टर्म कहते हैं। बात सही है सर, वेरी गुड। अच्छा जो इनमें गैप होता है ना भाई, जो इनमें गैप होता है A2 - A1, है ना, उसको हम D कहते हैं। ऐसे ही है ना सर जी? तो जी सर बिल्कुल, जरा जरा यस मुझे, सर। आप जरा इधर देखते जाओ सबके सब और समझते जाओ, कहानी खत्म हो जाएगी अभी इंशाल्लाह फर्स्ट एक्सरसाइज की। आप मुझे बच्चे बताओ, क्या आपने ये कहा कि भाई A1 हमारा 3 है ना? A1 हमारा क्या है? 3। थ्री और कॉमन थ्री डिफरेंस कितना है हमारा यहाँ पे? टू का 2 2 का। तो हमारा जो 5 आया वो कैसे आया? A2 में हमने 2 ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? टू तो 3 + 2 कितना हो गया? फाइव फाइव शाबाश। अच्छा अगर मैं कहूं कि A3 कैसे आया होगा, तो 5 में क्या ऐड किया होगा? टू फोर ठीक है, 5 में क्या ऐड किया होगा? 4 तो 3 में किया होगा ऐड, 5 में क्या ऐड किया होगा? टू 5 में तो 2 ही ऐड करोगे ना बेटे। अच्छा A4 कैसे आएगा? A4 सेवन आएगा आपने में टू ऐड 7 में 2 सेवन ऐड में किया टू होगा। अब जरा देखो बस इन्हीं चारों को, पहले वाले में 2 नहीं था, पहले वाले में 2 नहीं था। अगर 2 नहीं था तो क्या मैं उसको ऐसे कह दूं, मैं यहां लिख देता, पहले वाले में 2 नहीं था, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख दूं आपको समझाने के लिए कि सर यहाँ जो 2 ऐड हुआ है, या पहले वाले की बात बाद में ही करेंगे छोड़ो, दूसरे वाले में 2 कितने टाइम ऐड हुआ है? वन टाइम वन वन टाइम। और थर्ड वाले में 2 कितने टाइम ऐड हुआ है? और फोर्थ वाले में 2 कितने टाइम ऐड हुआ थ्री है? टाइम तो इसका क्या मतलब हो रहा है, 2 वाले में 1 टाइम, 3 वाले में 2 टाइम, 4 वाले में 3 टाइम, और अगर इसी सीक्वेंस को कहूं तो 5 वाले में 2 कितने टाइम ऐड होगा? फोर टाइम 4 टाइम 4 टाइम। तो क्या आप मुझे ये बताओगे कि जी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 टाइम है, और यहाँ अगर 1 है तो बेटे यहाँ 0 टाइम्स है। कितने टाइम? जीरो जीरो समझ जीरो लीजिए। अब मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटे कि भाई हमारे पास, दोबारा से समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास A1 है। A1 हम कहते हैं A को, फर्स्ट टर्म को। तो अगर हमारा सेकेंड टर्म होगा तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, उसमें D को ऐड कर देते हैं, यस और नो? तो वो हो जाता है यस A+D। सर अगर अगर हमें थर्ड टर्म लेना है तो हम उसमें D फिर ऐड कर देते हैं, तो वो हो जाता है A+2D। अगर हमें फोर्थ टर्म लेना है तो फिर हम उसमें D ऐड कर देते हैं, तो वो हो जाता है A+3D। तो हो क्या रहा है, मैं आपसे सिर्फ सीधा ये कह रहा हूं, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ उससे 1 कम है, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ उससे 1 कम है, यहाँ 2 है तो यहाँ उससे 1 कम है, और अगर यहाँ 1 है तो यहाँ उससे भी 1 कम है। तो D इज एडिंग 1 less than द पोजिशन। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि बेटे ये तो बहुत लंबा हो गया, मुझे 10th टर्म बताओ क्या आएगा, तो शायद आप कहोगे सर A में D ऐड होगा 9 टाइम्स, यस और नो? बस ये बता दो। यस सर यस सर हाँ भाई, अगर हमारा फोर्थ टर्म है तो 3 टाइम D ऐड हो रहा है, अगर यस 3 है तो सर 2 टाइम ऐड हो रहा है, 2 है तो 1 टाइम ऐड हो रहा है। तो अगर 10th टर्म निकालना है तो A में D को कितने टाइम ऐड करेंगे भाई? नाइन 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 सब बच्चे कर सकते हैं हैं, क्या कर सकते हैं?
सर एक और चीज भी कर सकते हैं क्या, जैसे हमें फोर्थ टर्म निकालनी है तो हम ये लिख सकते हैं a3 plus d। नहीं बेटे a3 plus d तो लिखेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा जो फॉर्मूला बने वो सिर्फ yes, a, हमारा जो फॉर्मूला बने वो a और d में बने। a का मतलब फर्स्ट टर्म और d का मतलब कॉमन डिफरेंस। yes, तो हम उसमें थर्ड टर्म या सेकंड टर्म यूज नहीं करना चाह रहे। बात समझ में आ गई बेटे? जी सर जी। हम अपने फॉर्मूले को सिंपल रखना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हमें, अब आपने कहा कि सर a4 को हम a3 plus d, समझ लो सब बच्चे, अच्छी बात, जब आप इस तरह डिस्कस करते हो तो चीजें क्लियर होती हैं कि सर हम a4 को, देखो इधर ध्यान से देखो, ये इन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि सर हम a4 को a3 plus d लिख सकते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि भाई a3 मुझे पता नहीं है, तो फिर मैं a3 को क्या लिखूंगा? a2 plus d। सर मुझे तो a2 भी नहीं पता, तो सर मैं a2 को क्या लिखूंगा? a plus d। तो सर इससे अच्छा मैं सीधा सीधा a+3d ना लिख देता, यस और नो सब बच्चे बताओ? यस सर। तो ये वाली चीज है। तो बेटे यही हमारा फॉर्मूला है, बस यही खत्म भी हो गया, आपकी एक्सरसाइज ही खत्म हो गई। क्या फॉर्मूला है कि भाई अगर मुझे बेटे 10th टर्म लेना है तो मुझे a में d को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन जो यहाँ पोजिशन है 10th उससे एक कम, 90। अब इसको अगर एक कम कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको ऐसे लिखेंगे a प्लस 10 minus 1d। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब हमें अगर कोई सा भी टर्म निकालना है, कोई से भी टर्म को हम कहते हैं n, nth टर्म, दैट इज अवर जनरल टर्म, जनरल फॉर्मूला टू फाइंड एनी टर्म, तो a प्लस n माइनस 1 इनटू d, दैट्स इट। बस फर्स्ट एक्सरसाइज आपके चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 सिंपल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर किसी भी बच्चे को ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, आप चाहे अपना अभी लास्ट वाला क्वेश्चन कर लो, लास्ट वाला अपनी एक्सरसाइज का, दोबारा से समझ लीजिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर बेटे हमें nth टर्म निकालना, nth टर्म, तो आपको a में d ऐड करना होगा, और कितना करना होगा? पोजीशन से वन टाइम लेस। बताओ सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आगे। यस सर। ठीक है, अब यहाँ जरा ध्यान से, अब सब बच्चे फिर दोबारा से आओ कि भाई ये हमारे पास an is equals to a plus n minus 1d है, ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसमें कौन क्या है? a हमारा होता है फर्स्ट टर्म, अभी करेंगे देखो, फर्स्ट टर्म, n हमारा होता है पोजीशन, आप कौन सी टर्म निकाल रहे हो, पोजीशन 10th टर्म निकाल रहे हो, थर्ड टर्म निकाल रहे हो, d हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। और ए एन उस टर्म की वैल्यू होती है, वैल्यू, वैल्यू ऑफ टर्म एट nth पोजीशन। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसा ये हमारे पास है, सब बच्चे समझ लो, 3, 5, 7, 9, आपसे कह दूं फाइन 20th टर्म, बस यही आपकी सेकेंड एक्सरसाइज है, खत्म। अब जरा सब बच्चे मुझे बताओ कि अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपसे कह रहा है फाइंड 20th टर्म, इधर देख लो पहले तो ध्यान से, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें चार चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं? फर्स्ट टर्म, पोजीशन, कॉमन डिफरेंस एंड वैल्यू। आउट ऑफ दीज फोर आपको 3 गिवन होंगी बेटे, मोस्ट ऑफ द टाइम 3, आपको फोर्थ निकालनी, कोई सी एक मिस कर देगा। अब जरा इस क्वेश्चन में देखो, चलो यही लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन में देखो सामने लिखा हुआ है, आपसे क्या कह रहा है 3, 5, 7, 9 फाइंड 20th टर्म। कोई बच्चा मुझे बताएगा इस 3, 5, 7, 9 में क्या हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है? यस सर। यस सर। 3 कितना है? 3। क्या हम डी निकाल सकते हैं? यस सर। 5 minus 3 2। क्या हमें पोजीशन दी हुई है? Yes, sir. N दे दिया 20, तो हमें क्या निकालना है? 20th term. 20th term. तो 20th term को बेटे लिखेंगे A20. क्या लिखेंगे? A20 लिखेंगे। अब आप मुझे सब बच्चे बताओ, क्या हमारे पास चार में से तीन चीजें मिल गई या नहीं मिल गई? नहीं सर, मिल गई। तो हमें कौन सा निकालना है? चौथा। अब जरा रख दो, फॉर्मूला खत्म हो गया। A20 विल बी a प्लस, आप चाहो तो डायरेक्ट 19 लिख सकते हो, नहीं चाहो तो आप लिख सकते हो 20 minus 1 into d। सब बच्चे बताओ समझ में आया या नहीं आया?
आया सर 41 ए 20 विल बी ए प्लस 20 माइनस 1 इनटू डी वैल्यू रख दो बेटे ए कितना है बच्चे मेरे पास 3 20 माइनस 1 क्या हो गया 19 इनटू डी कितना है बेटे 2 19 2 जा 38 प्लस 3 41 सब बच्चे बताओ समझ में आया नहीं आया 41 ओके सर सब बच्चे बताओ समझ में आया नहीं आया यस सर आया यस सर यस ठीक है तो यहां यही है बस खत्म एक्सरसाइज ही खत्म अगर आप सब बच्चों को समझ में आ गया ए हमारा क्या है डी हमारा क्या है एन हमारा क्या है ए एन हमारा क्या है तो कहानी खत्म चलो एक क्वेश्चन और देखिए हमसे क्या कह सब बच्चे थोड़ा सा जाग जाइए कौन कौन जाग रहा है शफी जाग रहा है माशाल्लाह वेरी गुड आइए देखिए आप समझ के करना थोड़ा सा देखना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ 2 4 6 8 आपसे क्या कह रहा है विच टर्म is 150 which term सुन लीजिए बार बार कह रहा which term is 150 अब ये हमारे पास क्वेश्चन है अब मुझे सब बच्चे बताओ a कितना है 2 d कितना है d 2 4 minus 2 common difference ठीक है n कितना है सर निकालना है हाँ वेरी गुड देखो अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ हमारे पास कह रहा है 2 है 4 है 6 है 8 है और कहीं पे जाके 150 भी है और 150 इसका टर्म है जैसे 2 टर्म है 4 टर्म है 6 टर्म है तो 150 भी टर्म है तो आपसे कह रहा है कौन सा टर्म 150 है मतलब हमें इसकी पोजीशन निकालनी है इस बार हमारे पास टर्म दिया हुआ है और हमें पोजीशन निकालनी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में पोजीशन दी हुई थी और वैल्यू निकालनी समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन में फर्क सब बच्चों को यस सर वेरी नाइस आओ चलो शाबाश अब देखो क्या क्या आ गया हमारे पास बेटे ए आ गया हमारे पास डी आ गया और हमारे पास टर्म आ गया ए एन हम क्या कह देंगे लेट ए एन इज 150 तो हमें एन निकालना क्या निकालना है भाई एन फॉर्मूला बताओ क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन अपॉन मल्टीप्लिकेशन ए एन कितना है बेटे 150 ए कितना है बेटे 2 एन हमें मालूम नहीं है डी कितना है 2 शाबाश आ गया आंसर आ गया अब सर 75 आंसर है आ गया आंसर अब 75 कहां से आ गया बेटे अच्छा हां 75 है ठीक है 1 प्लस करो 150 में से 2 माइनस करो कितना आया 48 ठीक है इस वाले 2 से बेटे डिवाइड करो 148 by 2 कितना आया 74 में 1 प्लस करो n is equal to 75 सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया बताओ सर बिल्कुल यस सर सर इजी है अरे बहुत इजी बेटे थोड़ा सा भी आप ध्यान से करोगे माशाल्लाह बहुत जल्दी करते चले जाओगे देखो सब बच्चे देखो शाबाश अब आपसे प्रैक्टिस करा रहा है सबसे पहले उसने इतना अच्छा एनसीईआरटी ने दिया है पैटर्न इतना अच्छा कर दिया कि आपसे प्रैक्टिस कराना चाह रहा है कि उसने पहले यही अप्लाई कराया कि अगर आपको 4 में से कोई से 3 देगा तो आप कैसे निकालो देखो सब बच्चे देखो कितनी अच्छी सी एक अच्छा क्वेश्चन समझता हूँ मैं ये बच्चों की सब बच्चों की प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी ने बनाया हुआ ये देखो बेटे सब बच्चे प्लीज ये हमारे पास क्वेश्चन ठीक है तो आपसे क्या कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल जैसा मैंने आपसे कहा इन द फॉर्मूला वी हैव 4 टर्म्स फर्स्ट टर्म ठीक है कॉमन डिफरेंस पोजीशन एंड वैल्यू तो आउट ऑफ दीज 4 3 हमारे पास होंगे चौथा हमसे निकलवा जैसा पहले वाले पार्ट में ए दिया हुआ है डी दिया हुआ है एन दिया हुआ है तो आपसे कह रहा है टर्म बताओ तो जैसा हम अगर मैं पहले वाले को कर दूं तो मुझे ए एन निकालना है एन का मतलब 8 तो मुझे ए 8 निकालना ए 8 क्या होगा भाई डायरेक्ट बताओ सब बच्चे ए क्या होगा ए 8 होगा ए प्लस 7d हमेशा ध्यान रखो ए प्लस 7d यस और नो हाँ भाई ए 8 तो यही होगा ना ए प्लस 7d जी ए कितना दिया हुआ है 7 और डी कितना दिया हुआ है 3 तो 7 3 21 21 प्लस 7 28 दैट्स इट अच्छा चलो
अच्छा चलो अब हम कौन सा वाला क्वेश्चन करें, एक में डी निकालना है सेकंड वाले में, सेकंड वाले ठीक है। तो सेकंड वाले में चलो बताओ सब बच्चे, ऐसे रखते हैं, ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? जीरो जीरो। ए एन इज इक्वल टू बेटे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन सेकंड वाले में बेटे ए एन की वैल्यू जीरो दी हुई है। अच्छा ए की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटे? माइनस 18 माइनस 18। एन की वैल्यू टू, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? और डी हमें निकालना है, है ना? डी की वैल्यू 2 आ जाएगी सर। तो माइनस 18 को इधर लाओ सर, 18 बन जाएगा। और 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 90। और 9 से डिवाइड करो ना, 2 हो जाएगा सर। 2 आ गया समझ में या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। आओ चलो शाबाश देखो। आओ जी चलो देखो, दो क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज में भी हैं ये एक तरह से, और वैसे भी क्वेश्चन है तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप करो सब बच्चे शाबाश, बताओ पहला वाला पार्ट करो सब बच्चे। 30th टर्म ऑफ एपी, हमारे पास एपी गिवन है और हमें 30th टर्म निकालना है। करो जल्दी से एक सेकंड में फटाफट सब बच्चे, कोशिश थोड़ी थोड़ी सी। आपके पास एपी दिया हुआ बेटे 10, 7, 4, तो व्हाट इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, कौन सा टर्म हमें निकालना है, तो व्हाट इज एन, तो टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? शाबाश बताओ जल्दी से क्या आंसर आया। चार चीजें हैं, तीन दी होंगी जरूर। -77 वेरी गुड। हाँ भाई सब बच्चों का आया? यस सर सी। शाबाश वेरी गुड। आपसे क्या कह रहा था बेटे, आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, सब बच्चे दोबारा से देख लीजिए, 10, 7, 4 ऐसे आपको एपी दिया हुआ है ना, और आपसे कह रहा है 30th टर्म बताओ, जो मैंने एग्जांपल के फॉर्म में पूछा था आपसे, 30th टर्म बताओ, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो अगेन आप सब बच्चे देख सकते हैं, पहले प्रैक्टिस के लिए आराम से क्या करो कि भाई फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डिफरेंस निकाल सकते हैं, हमें टर्म की पोजीशन दे दी है और टर्म निकलवा रहा है, यानी कि A30 फाइंड करा रहा है, ठीक है। अब आप बेटे A30 को डायरेक्ट लिख सको तो बहुत अच्छी बात है कि भाई A30 क्या होगा, A30 होगा A+29D, अगर आप डायरेक्ट लिख सको बहुत अच्छी बात, टाइम बचेगा। नहीं लिख सकते डायरेक्ट तो फिर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा करो, A+30-1 × D, ऐसे। अब वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू कितनी है, 30-1 कितना हो गया और डी कितना है, तो ये हो गया 10-87। टेन माइनस 87 कितना आ गया, ऐसे शाबाश। एक क्वेश्चन और बस, चलो देख सर डिफरेंस को साइन के साथ ही लेंगे। हाँ बेटे डिफरेंस को साइन के साथ लेंगे बेटे। चलो सब बच्चे शाबाश, कोशिश करो इस वाले को, सब बच्चे कोशिश करो, सेम क्वेश्चन है सिर्फ टर्म्स चेंज हुए हैं, सब बच्चे करो शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नौमान की भी आवाज आई थी आज तो माशाल्लाह, चलो बताओ शाबाश। 11th टर्म ऑफ एपी, सब बच्चे कोशिश करो, डेसिमल में भी सोच सकते हो बेटे, अगर आपने जो हमारे पास एपी दिया हुआ है तो डरना नहीं है, आप डेसिमल में भी कंसीडर कर सकते हो कि भाई हमारा एपी क्या है, -3, -1/2 लिखा हुआ है, तो आप -0.5 मान लो, कोई मना नहीं कर रहा, कोई एग्जामिनर आपको मना नहीं करेगा, ये बस। तो ये हमारा एपी, तो इस एपी में अगर आपके लिए मैं हेल्प कर दूं कि मेरा ए कितना है और मेरा डी कितना है, और डी में भी आप इसमें से इसको माइनस करो चाहे इसमें से इसको, तो 2 में से माइनस कर रहा हूं, तो आपकी मर्जी है, 22 आ गया सर। और आपसे कह रहा था 11th टर्म बताओ, सर 11th टर्म 22 है, वेरी गुड, तो ए 11 हो जाएगा, ए प्लस 10D,
a कितना है माइनस थ्री, टेन तो टेन ही होता है, d कितना है 2.5, है ना भाई, तो 25 माइनस थ्री ये आंसर है सर, सही है जी सर, बिल्कुल ऑप्शन बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आओ चलो सर, जिसे डर लगता हो वो देखे जरा, जिसको डर लगता देखो, मैं इसलिए कहता हूं अगर आप में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो, और जो सबसे ज्यादा डरता है ना वो मेरी क्लास में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाएगा, इंशाल्लाह फायदा ही होगा। चलो देखो 18th क्वेश्चन कर रहे हैं हम, आपको डर लगता है कि 18 सर शुरू में ही अभी तो कुछ किया भी नहीं, मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स का करने का तरीका बता दिया है वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। आओ देखो 3 मार्क्स के लिए आएगा बेटे ये क्वेश्चन, जब आएगा तो वर्ड बाय वर्ड लिखेंगे बेटे सबके सब बच्चे, और डरेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कह रहा है सम, सम सम का मतलब क्या होता है एडिशन प्लस, ठीक है, किस किस का प्लस, फोर एंड एट टर्म, फोर्थ टर्म को कैसे लिखते हो ए प्लस फोर, नहीं ए फोर, और एट टर्म को कैसे लिखोगे एट, और कितना दिया हुआ है ऑफ एन एपी इज 24, इज 24, सब बच्चे बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, है ना, बस अब यहीं रुको सब बच्चे, अब यहीं रुको, जो हमने सीखा है ए फोर को फॉर्मूले की तरह से क्या लिख सकते हैं ए प्लस थ्री डी, वेरी गुड बेटे शाबाश, ए प्लस थ्री डी लिख सकते हैं ना भाई सब बच्चे, यस सर लिख सकते हैं, बहुत अच्छे शाबाश, तो आपने ए फोर को लिखा ए प्लस थ्री डी, अच्छा ए एट को बताओ क्या लिख सकते हो ए प्लस सेवन डी लिख सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा बोलोगे ना आपको खुद अच्छा फील होगा कि मैं इन्वॉल्व हूँ क्लास। अच्छा बताओ ए प्लस ए कितना हो गया 2A, और 7 प्लस 3 कितना हो गया 10D, प्लस 2, अच्छा क्या कर दें 2 से कॉमन ले लें, तो क्या आ गया A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, सब बच्चे बताओ यस और नो, जी सर बिल्कुल, यस सर, मुबारक हो, आ गया और क्या, अब बताओ जो दूसरा वाला आपसे कहता सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, सम ऑफ 6th एंड 10th, तो अब तो ये समझ में आ गया होगा 6th टर्म क्या होगा प्लस 6th टर्म क्या होगा A+5D, और 10th टर्म क्या होगा A10, और कितना दिया हुआ है 44, अब बताओ बेटे A6 को क्या कहोगे A+5D, यस, और 10th को क्या कहोगे A+90, वेरी गुड, A और A क्या हो जाएगा A+14, और 9+5 क्या हो जाएगा 14D, और क्या कॉमन लोगे 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा A+7D = 22, यस और नो, यस सर, अब इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है, आती है, बस खत्म, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म, मुबारक हो, ऐसे करना है बच्चे बताओ, बहुत मुश्किल सर 5D, नो सर, एपी बहुत मुश्किल सर, बिल्कुल इजी, नो नहीं बिल्कुल नहीं, नो नहीं, ये अच्छा है, नो नहीं, ए की वैल्यू -13 आ गई और डी की वैल्यू 5, बहुत अच्छे सर, बिल्कुल सही, वेरी, एक बार ऊपर से दोबारा दिखा दो जी, ज्यादा देखो जी आप, सब देखो, आया कुछ समझ में, समझ समझ आ गया, अब आपकी कल की है छुट्टी, रेस्ट दिया है मैंने बच्चों को, ओके सर, ठीक है, बट आपका रेस्ट इसीलिए है जी सर, क्यों हमारा दिल कर रहा है बच्चों को छुट्टी देने का, ऐसे छोड़ दो आप, सैटरडे या संडे लोगे क्लास, है ना सर, नहीं नहीं सर, ले लेना सरकारी छुट्टी, कल लेनी है क्लास, नहीं सर सैटरडे संडे, कल भी नहीं सैटरडे संडे भी नहीं, अल्लाह कल भी नहीं सैटरडे संडे भी नहीं सर, संडे को ले लीजिएगा, सैटरडे को मत, नहीं सर नहीं, 3 घंटे क्लास ले लो संडे को, सर मर्जी आप, अरे नहीं सर, अच्छा सुन लो, चलो ध्यान से, कल आपका रेस्ट है, लेकिन रेस्ट इसलिए है कि आप फर्स्ट 2 एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, और संडे को क्लास लूंगी, अच्छा संडे तो क्लास लूंगा मैं, वो तो टेंशन, तो संडे को रेस्ट दे दी वो जी बेटे, अच्छा मत दीजिए सर, संडे रेस्ट दे दी वो, दिमाग से निकल जाएगा फिर, अच्छा मान कर रेस्ट, चलो कोई बात,
ठीक है, कल रेस्ट है, संडे भी रेस्ट देते हैं, टेंशन ना, पढ़ लो लेकिन अच्छे से। लेकिन अरे चलो ठीक है, डरो मत, ठीक है। लेकिन लेकिन आपको करना क्या है, सुन लीजिए, करना क्या है, करना ये है बेटे कि आपको फर्स्ट टू एक्सरसाइज, मैं सॉल्व करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है डिजिटल पढ़ रहे हो, थक जाते हो, स्क्रीन से मजा भी नहीं आ रहा, एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हो फ्रेंड्स के साथ, तो वो सारी चीजें मैं समझता हूँ, बट लेकिन आपको फिर भी अपना टाइम यूटिलाइज करना है, ट्राई करना है, ट्राई हर बच्चे को, क्वेश्चन को हिला के जरूर देखना है कि मुझसे सवाल हो रहा है, नहीं हो रहा है तो ठीक है बहुत अच्छी बात, नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं, बट आप एक बार टच जरूर करेंगे क्वेश्चन, करेंगे सब बच्चे? जी सर बिल्कुल करेंगे। सबकी आवाज नहीं आई, दूसरी बात सुनो, आई विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह 4 to 6 टुमारो, किसी को भी एक्स्ट्रा कुछ पूछना है तो मैं इंशाल्लाह अवेलेबल, अगर हिम्मत हुई आप में, आपको कुछ एक्स्ट्रा पूछना हुआ तो, उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम सिर पे हैं और उन्हें कुछ पूछना है तो मैं अवेलेबल, ठीक है, तो इसलिए रेगुलर क्लास का रेस्ट दिया, ओके। हम सैटरडे संडे भी अवेलेबल रहेंगे एक्स्ट्रा के लिए, बट कल भी रहूंगा तो उनके लिए फायदा, कुछ भी सर, सर कल शाम को 4 to 6 बेटे, सर टेस्ट के लिए साइंस होगी, जी साइंस होगी बेटे, कल भी साइंस होगी, एक एक क्लास तो जरूर होगी, एक क्लास तो जरूर होगी, ओके बेटे, ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम जी बेटे, बोलो सर शाम को लोगे हैं, शाम को लोगे क्लास बेटे? 4 to 6 मैं 4 to 6 एक्स्ट्रा में रहूंगा, अगर आप करना चाहें तो, शाम की पूछ रहे हैं, शाम को 4 to 6, हाँ शाम में ही होता है 4 to 6, और कौन सा 4 to 6? वहाँ में चाहिए सर, शादी से नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, साजिश सर से आप क्लास लेना चाहो ले सकते हो, साजिश सर से आप क्लास लेना चाहो ले सकते हो, ग्रुप में है वो बात नहीं, मैथ का कुछ पढ़ना था, पूछना था, तो कह तो रहा हूँ पढ़ लो, मना थोड़ा ही कर रहा हूँ, मैं मैसेज कर लो उनसे, क्लास ले लो, ग्रुप में डाल दो या अलग से पूछ लो, चलिए ओके सर, अस्सलाम वालेकुम।